जय भवानी शक्ति पूजा तंत्र रहस्य पे आपका हार्दिक स्वागत है। सभी साधक साधिकाओं को जय माता दी। आप सब पे माँ भगवती की कृपा सदाई बनी रहे। आज हम आपके लिए जानकारी लेके आए 10 महाविद्या। 10 महाविद्या क्या होती है, इसका पूजन कैसे किया जाता है, जिसमें 10 महाविद्या का विशेष पूजन होता है गुप्त नवरात्रि में। तो गुप्त नवरात्रि के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो वर्ष में कुल 4 नवरात्रि मनाई जाती है। एक नवरात्रि मनाई जाती है चैत्र नवरात्रि, एक नवरात्रि मनाई जाती है शारदीय नवरात्रि। जो चैत्र नवरात्रि आती है वो गर्मी के समय में आती है। शारदीय नवरात्रि धीरे धीरे ठंड बढ़ने लगती है तब आती है। चैत्र की नवरात्रि और अश्विन की नवरात्रि, जिसे शारदीय नवरात्रि कहते हैं, वो ज़्यादा प्रसिद्ध है, जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं। और गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है आषाढ़ में, माघ में, जो जनवरी के आसपास आती है। तो ऐसी कुल 4 नवरात्रि मनाई जाती है एक वर्ष में। हम आप लोगों को 10 महाविद्या की जानकारी देंगे, जो गुप्त नवरात्रि में विशेष तरीके से इनकी पूजा आराधना की जाती है। वैसे इनकी जो पूजा आराधना सामान्य जो घर गृहस्थी में जो लोग निवास करते हैं, जो पूजा पाठ के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती, इतनी जानकारी नहीं होती, जो सामान्य पूजा किस प्रकार कर सकते हो आप लोग, उस हिसाब से हम आपके लिए इस वीडियो में जानकारी लाई है। क्योंकि बहुत से लोग जानना चाहते हैं 10 महाविद्या की पूजा, हर कोई करना चाहता है कि सामान्य पूजा कर सकते कि नहीं। तो हाँ, आप लोग सामान्य पूजा अवश्य ही कर सकते हैं। जब भी गुप्त नवरात्रि आती है, सामान्य जो नवरात्रि आती है, तो चारों नवरात्रि में 10 महाविद्या की भी पूजा कर सकते हो आप लोग। बहुत लोग डरा देते हैं आप लोगों को कि इनकी साधना कोई नहीं कर सकता है, इनकी उपासना कोई नहीं कर सकता है। ये बात सही है कि हर कोई इनकी उपासना साधना नहीं कर सकता है, लेकिन जो पूजा होती है सामान्य जो घर में आप लोग करते हो, वो पूजा हर कोई कर सकता है। वो नव दुर्गा की भी पूजा कर सकता है, चाहे तो वो 10 महाविद्या की भी पूजा आराधना कर सकता है, जो सामान्य पूजा होती है। लेकिन जो कर्म कांड के द्वारा होती है, विशेष उनके मंत्रों का उच्चारण किया जाता है या संकल्प लेके जप किया जाता है, वो सिर्फ गुरु के सानिध्य में ही करना चाहिए 10 महाविद्या की पूजा। ये भी बात उतनी ही सत्य है। तो हम आप लोगों को बताएंगे कि आप 10 महाविद्या की सामान्य पूजा किस प्रकार कर सकते हो, उनके मंत्रों का जप आप सामान्य तरीके से कैसे कर सकते हो नवरात्रि के समय में, चाहे वो चारों नवरात्रि में जो सामान्य नवरात्रि हो, चाहे वो गुप्त नवरात्रि हो। तो प्रतिदिन आप कैसी उनकी पूजा उपासना कर सकते हैं, इसी के बारे में आपके लिए हम जानकारी लाए। जो सामान्य नवरात्रि होती है उनकी पूजा उपासना सभी लोग करते हैं, सभी को मालूम होता है। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि की जो पूजा उपासना होती है वो गोपनीय होती है, इसे गोपनीय तरीके से ही करना चाहिए, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। आप क्या कर रहे हो, कौन सी पूजा कर रहे हो, कौन सा मंत्र का जप कर रहे हो, आपको किसी को नहीं बताना चाहिए। कहने का अर्थ ये है, इनकी जो पूजा उपासना होती है जो गुप्त नवरात्रि में, गोपनीय तरीके से होती है, तो इसलिए इनको गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। कई लोग रहस्य में ही पूजा करते हैं, गोपनीय साधना करते हैं, किसी को बताते नहीं है, इसलिए नवरात्रि गुप्त नवरात्रि कहा जाती है। इसलिए इनकी जो पूजा उपासना भी होती है गोपनीय होती है। इसलिए आप लोग भी अगर जब भी गुप्त नवरात्रि में कोई पूजा उपासना करते हो तो किसी को बताना नहीं चाहिए। अगर आपके घर वाले को मालूम है तो ठीक है, लेकिन बाहर वाले को किसी को भी कभी बताना नहीं चाहिए गुप्त नवरात्रि की पूजा उपासना। जो गुप्त नवरात्रि की पूजा उपासना होती है वो शक्ति प्राप्ति के लिए की जाती है, बाधाओं का नाश करने के लिए की जाती है, बहुत ही श्रेष्ठ फलदायी होती है। तो जो भी चारों नवरात्रि आती है, इसका धार्मिक भी महत्व होता है और वैज्ञानिक भी महत्व होता है। आपको धार्मिक महत्व बता दिया, अब आपको शॉर्टकट में वैज्ञानिक महत्व बताते हैं। जब भी नवरात्रि आती है तब ऋतु परिवर्तन होती है, तभी नवरात्रि इसके बीच में आसपास ही आती है। तो हमने आपको इतना ही बताया इसका वैज्ञानिक महत्व। इसका वैज्ञानिक महत्व बताने जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, इसलिए जो पूजा विधि है आपको कैसे करना चाहिए, कैसी उपासना करना चाहिए 10 महाविद्याओं की, हमने एक वीडियो बनाया है जिसमें 9 दुर्गाओं की पूजा आप चारों नवरात्रि में कैसे कर सकते हो, उसकी लिंक आपको मिल जाएगी, आई बटन पे भी आपको दिख जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं। और ये जो वीडियो बना रहे हैं 10 महाविद्या का है, जिसमें 10 महाविद्या की कैसे पूजा उपासना कर सकते हो। तो आप लोगों को अगर वो वीडियो देखना है, उसके बारे में जानकारी लेना है 9 दुर्गा के बारे में, तो वो भी वीडियो देख के उनकी पूजा उपासना कर सकते हो। और 10 महाविद्या की भी अगर आप चाहते हो पूजा उपासना कर सकते हो। चारों नवरात्रि में पूजा उपासना 9 दुर्गा की भी की जाती है और 10 महाविद्या की भी पूजा उपासना की जाती है। तो 9 दुर्गाओं की जो पूजा उपासना होती है वो चैत्र नवरात्रि में,
शारदीय नवरात्रि होती है, सभी लोग जानते हैं। और जो ज्यादातर जो पूजा उपासना की जाती है जो गुप्त नवरात्रि में, वो 10 महाविद्या की जाती है, जो माघ में आते हैं और आषाढ़ में आते हैं। तो कहने का अर्थ ये नहीं है कि आप 10 महाविद्या की पूजा उपासना चैत्र नवरात्रि आती या शारदीय नवरात्रि आती तब नहीं कर सकते, तब भी आप लोग कर सकते हो। और वैसे ही नव दुर्गा की भी पूजा उपासना आप लोग गुप्त नवरात्रि में कर सकते हो। कि 10 महाविद्या की पूजा उपासना कैसे करें हमें बताइए, सामान्य जो पूजा उपासना करना चाहते हैं, तो इसलिए हम आप सभी के लिए एक वीडियो बना देते हैं कि किस प्रकार आप लोग जैसे नव दुर्गा की पूजा उपासना करते हो वैसे ही 10 महाविद्या की भी कर सकते हो। हम आप लोगों को एक कथा बताते हैं शॉर्टकट में कि 10 महाविद्या की उत्पत्ति कैसे जानी जाती है, कैसे हुई थी। तो देवी भागवत पुराण के अनुसार शिव और सती के बीच में एक विवाद के कारण हुई थी। दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया था, सती के पिता जो दक्ष प्रजापति है, एक यज्ञ का आयोजन किया था, विशाल यज्ञ का, जिसमें सभी देवी देवताओं को बुलाया गया था, लेकिन शिव और सती को नहीं बुलाया था। जब माता सती ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाना चाहा तो शिव भोलेनाथ ने उन्हें रोकने का प्रयास किया था, वहां जाने से मना कर दिया था शिव भोलेनाथ ने। भोलेनाथ के द्वारा मना करने के बाद भी माता नहीं मानी, तो माता सती ने अपने आप को एक भयानक रूप में परिवर्तित कर लिया था। वो जो रूप था वो महाकाली का रूप था। तो माता सती का ये डरावना एक भयावह रूप देख के भगवान शिव भागने लगे। तो भगवान शिव जिस भी दिशा में भागते थे उस दिशा में माता का एक रूप प्रकट हो जाता था। तो इस प्रकार हार के माता सती के सामने वापस आ गए थे भगवान शिव। तो भगवान शिव ने माँ सती से पूछा, ये सब रूप किसके है और ये कौन है? माता सती ने बताया कि ये मेरे ही 10 रूप है, जो 10 महाविद्या है जो आपके सामने खड़ी है वो कृष्ण रंग की काली है, जो आपके ऊपर खड़ी है वो नीले रंग की तारा है, पश्चिम में है वो छिन्नमस्तिका है, बाएं में भुवनेश्वरी, पीठ के पीछे बगलामुखी, पूर्व दक्षिण में धूमावती, दक्षिण पश्चिम में त्रिपुर सुंदरी, पश्चिम उत्तर में मातंगी, उत्तर पूर्व में षोडशी महाविद्याएं। मैं खुद भैरवी आपको अभयदान देने के लिए मैं सामने खड़ी हूँ, यही 10 महाविद्या और महाशक्तियाँ। फिर सारी महाविद्या महाकाली में ही समा गई। ऐसी महाशक्तियों का प्रयोग करके महाशक्ति ने दैत्यों राक्षसों का संहार किया था। इस तरह शिव भोलेनाथ के विरोध को हरा के माता सती यज्ञ में पहुंच गई थी। कथा जानते होंगे कि ये कथा सभी लोग जानते हैं, इसलिए हम आगे नहीं बता रहे आपको, सिर्फ 10 महाविद्या की जो साधना दे रहे जो उपासना करना है तो आपको वो कथा बता दी कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो आप सभी लोग जानते हो कि फिर दक्ष प्रजापति के यज्ञ में गई थी तो माता सती का अपमान हुआ था, उनने अपनी तेज का उपयोग करके अपने आप को भस्म कर लिया था माता सती ने। तो महादेव क्रोध में आके, आप जानते हैं सभी लोग, कि दक्ष प्रजापति का वध कर दिया था, उनका गला काट दिया था। तो ये जो कथा है हम आपको आगे नहीं बता रहे, आपको सभी को भी मालूम होगा। जो उत्पत्ति जो मेन बताना था 10 महाविद्या आखिर है कौन, इसके बारे में आपको ये कथा बताई। हम आपको सबसे पहले 10 महाविद्या के नाम बता देते हैं, फिर उसके बाद बताएंगे कौन से कुल में कौन सी देवी है। जो 10 महाविद्या के जो क्रम से जो नाम है वो इस प्रकार है, काली, तारा, ललिता त्रिपुर सुंदरी जिसे षोडशी भी कहते हैं, भुवनेश्वरी, त्रिपुर भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बंगलामुखी, मातंगी और कमला। जो भी 10 महाविद्याओं की या किसी एक महाविद्या की उपासना करता है उन्हें हर प्रकार की चमत्कारी शक्ति, सिद्धि और हर एक क्षेत्र में सफलता मिलती है। इन 10 महाविद्याओं की जो साधना है वो सर्वश्रेष्ठ साधना बताइए, इनके ऊपर किसी की साधना नहीं है। तो इस प्रकार ये 10 महाविद्याओं के नाम हैं। अब आपको हम बताते कि कौन से कुल में कौन सी देवी है। जैसा कि आपको बता दें कि इन 10 महाविद्याओं को दो कुल में बांटा गया है, जैसे शिव कुल की अलग देवियाँ हैं वैसे ही काली कुल की अलग देवियाँ हैं। काली कुल के अंतर्गत जो देवियाँ आती है, काली, तारा, छिन्नमस्ता और भुवनेश्वरी, ये देवियाँ होगी काली कुल की। और जो श्री कुल के अंतर्गत जो देवियाँ आती है, षोडशी श्री विद्या यानी त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, बंगलामुखी, धूमावती, मातंगी और कमला आती है। वैसे इन 10 महाविद्या के तीन समूह भी माने जाते हैं। जो सौम्य कोटि में जो देवियाँ आती है वह है त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, मातंगी और कमला। जो उग्र कोटि की देवियाँ रहती है वह है काली, छिन्नमस्ता, धूमावती और बंगलामुखी। और जो सौम्य और उग्र कोटि में जो देवी आती है, तारा और त्रिपुर भैरवी,
जो मुख्य जानकारी थी, आपको पता होना चाहिए कि आप जो देवी की उपासना करते हो महाशक्तियों के बारे में कुछ तो जानकारी होना चाहिए। भले आप पूजा करते हो या एक माला ही निकालोगे, लेकिन उनके बारे में जानकारी होना चाहिए। हमने आपको कई बार बताया, जिस महाविद्या की भी उपासना करते हो या कोई भी देवी देवता की उपासना करते हो, आपको इतनी तो जानकारी उनके बारे में मालूम होना चाहिए कि आप जिसकी पूजा उपासना करते हो। कई लोग तो आपको 10 महाविद्या की जो पूजा बता देते हैं, लेकिन उनके भैरव ही नहीं बताते कि भाई उनके भी जो भैरव होते हैं, 10 महाविद्या के 10 भैरव होते हैं। 10 महाविद्या के पहले उनके भैरव की उपासना करना जरूरी होता है। साधना संकल्प लेके कोई विशिष्ट साधनाएँ की जाती, वो जो साधनाएँ होती है वो गुरु के सानिध्य में ही होती है, तब भैरव की पूजा भी अनिवार्य ही होती है। वैसे भी अगर आप पूजा करते हो जो डेली रूटीन में या नवरात्र में, तो उनकी भैरव की भी उपासना करना चाहिए, तब आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। उनकी भी पूजा करना चाहिए आपको महाविद्या के पहले। हम जो भी आपको जानकारी बताते हैं, आपको कभी भी पूर्ण जानकारी बताते हैं, आधी अधूरी जानकारी हमारे चैनल पे कभी नहीं बताते हम लोग। 10 महाविद्या के जो 10 भैरव होते हैं, जिनकी पूजा उपासना 10 महाविद्या से पहले होती है, अगर आप कोई बड़ी साधना कर रहे हो, आपके गुरु कोई बड़ी साधना करवा रहे हैं आपसे, तो इनके भैरव की पूजा होगी। जो भी महाविद्या की पूजा उपासना करोगे, उनके भैरव की पूजा उपासना होगी, उनके मंत्रों का एक माला का जप किया जाएगा, फिर महाविद्या की पूजा उपासना करके आपको उनका जप किया जाएगा। जो बड़ी साधनाएं होती है, जो कर्मकांड के द्वारा जो विधि विधान से की जाती है, जो संकल्प लेके किसी विशेष मनोकामना के लिए साधना सिद्धि के लिए की जाती है, तब वो गुरु के सानिध्य में होती है, तब इनकी उपासना का बहुत ही बड़ा महत्व बताया है। और इनकी पूजा उपासना का महत्व होता है हर महाविद्या के साथ उनके भैरव का। को इसके जो भैरव होते हैं 10 महाविद्या के, कौन से भैरव होते हैं, उनके नाम बता देते, फिर इसकी पूजा विधि बताएंगे आप लोगों को। जैसे महाकाली महाविद्या का भैरव होता है महाकाल, तारा महाविद्या का जो भैरव होता है अक्षम्य भैरव होता है, जो षोडशी महाविद्या के जो भैरव होते हैं वो होते कामेश्वर, जो भुवनेश्वरी के जो भैरव होते हैं तो भुवनेश्वरी के त्र्यंबक भैरव होते हैं, त्रिपुर भैरव के दक्षिणामूर्ति यानी दक्षिणा भैरव, जो छिन्नमस्ता के जो भैरव होते हैं वो होते हैं क्रोध भैरव, जो बहुत ही उग्र और खतरनाक भैरव माने जाते हैं। जो धूमावती जो महाविद्या है उनके कोई भैरव नहीं है, उनका जो स्वरूप माना जाता है वो है विधवा स्वरूप। एक कथा के अनुसार महाकाली के जो भक्त थे भल्ला और मणि, तो वो जो कथा है बहुत लंबी है, लेकिन उन भक्तों के लिए महाकाली ने भोलेनाथ शिव को ही निगल लिया था, इसलिए इनका जो स्वरूप बन गया था वो है विधवा स्वरूप, इसलिए इनके कोई भैरव नहीं है। और ये देवी अपने आप में ही महाभैरव है। जो देवी का जो साधक होता है उनको कभी भी किसी के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती, जो भी इनकी उपासना करता होगा, क्योंकि ये बहुत प्रचंड उग्र शक्ति मानी जाती है, तो इसलिए इनके कोई भैरव नहीं होते हैं। जो बगलामुखी महाविद्या है उसके जो भैरव होते हैं मृत्युंजय भैरव होते हैं, जो मातंगी महाविद्या है उसके जो भैरव है वो है मतंग भैरव, दसवीं महाविद्या आती है जिसका नाम है कमला, उनके जो भैरव है स्वयं विष्णु है। तो ये जो 10 महाविद्या है इनके जो भैरव होते हैं इनकी भी आपको उपासना करना चाहिए। तो जिस भी महाविद्या की आप लोग अगर उपासना करते हो तो इनकी भैरव की पहले पूजा होगी, फिर महाविद्या की पूजा होगी, पूजा का जो फल है वो मिलता है आपको, पूजा भी पूर्ण मानी जाती है। और जैसे आपकी कोई पूजा में भूल चूक हो गई तो इनकी जो भैरव है वो संभाल लेते हैं महाविद्या को। जैसे जो स्त्री शक्ति होती है तो उनकी जो शक्ति जो पुरुष शक्ति भी होती है तभी पूर्ण कहलाती है। और आपको भी पूजा करना है तो आपको भी पूर्ण पूजा करोगे तभी आपकी पूजा का फल प्राप्त होगा। तो हम जो घर गृहस्थी में निवास करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो पूजा पाठ के बारे में कर्म कांड के बारे में कुछ नहीं जानता, तो उनके लिए ये पूजा विधान बता रहे। और जो कर्म कांड के द्वारा गुरु के सानिध्य में रहेगी उनकी पूजा उपासना मंत्र जब जो करना चाहे वो कर सकते हैं। जिनको कुछ नहीं मालूम, जो स्वयं अपने घर में या मंदिर में जाके महाविद्याओं की जो पूजा उपासना किस प्रकार कर सकते हैं, हम ऐसे गृहस्थों के लिए ये विधान बता रहे हैं। आप लोगों को जो महाविद्या की जो पूजा है विधान होता है, पूरा विधान नहीं बताएंगे आपको, जो आपके लिए जो जरूरी है जितना उतना ही आपको बताएंगे। जैसे कुछ लोग बोलेंगे कि गुरुजी ने पूरा विधान नहीं बताया, इसमें कौन से कपड़े पहन के करना चाहिए, कौन सी माला से, कौन सी दिशा की इधर मुँह करके, तो जो दिशा माला अगर आप पूरा नियम फॉलो करोगे तो पूजा और वो जो साधना हो जाती है वो बड़ी हो जाती है। पूरे नियमों का पालन करके
आप अगर अकेले साधना करते हो बिना किसी गुरु के सानिध्य के अलावा नहीं करना चाहिए। ये जो दसों महाविद्या की साधना सिर्फ गुरु के ही सानिध्य में की जाती है पूरे विधि विधान के साथ। वैसे नॉर्मल जो पूजा उपासना या एक माला जपना चाहते हो जैसे चारों नवरात्र में या गुप्त नवरात्र में किस प्रकार कर सकते हम उसी के बारे में आप लोगों को बताया गया। तो चलिए पहली महाविद्या की किस प्रकार आप पूजा उपासना कर सकते हो। आप ये जो हम उपासना बता रहे हैं ये जो पूजा बता रहे हैं आप गुप्त नवरात्र में भी कर सकते हो। जो सामान्य नवरात्र जो आते हैं जो चैत्र और जो शारदीय नवरात्र आते तब भी कर सकते हो। जैसे नव दुर्गा की करते हो ऐसी दस महाविद्या की भी पूजा उपासना कर सकते हो। तो चलिए पहली महाविद्या होती है काली। जो काल की भी काल होती है उसे कहते हैं महाकाली। सभी को पता है कि काल सभी को निगल लेता है। जो काल को भी निगल ले उसे कहते हैं महाकाली। मुक्ति मोक्ष का वरदान चाहने वाले साधक तो ऐसे लोग महाकाली की उपासना अवश्य करना चाहिए। जिनको भय लगता हो अनजाना सा, जिसको तंत्र मंत्र से परेशान रहते हो, जो समस्या हो, तो महाकाली की पूजा से और भी लाभ मिलते हैं। सिर्फ हम आपको शॉर्टकट में आपके लिए जितना ज़रूरी है वही बता के पूजा करना है और समय पे इनका मंत्र जप करना है। तो आपको महाकाली का जो मंत्र बताते हैं उससे पहले आपको बता देते हैं कि जब भी महाकाली की आप पूजा करते हो आप भैरव की पूजा कीजिए महाकाल की। जैसे आप जो भी हम पूजा विधान बता रहे हो सभी महाविद्या के लिए लागू होगा। सभी को पता है कि जो गणेश भगवान की पूजा की जाती है आपके गुरु की पूजा की जाती है। अगर आपके गुरु ना हो तो भगवान शिव को ही गुरु मान के पूजा कर सकते। तो भैरव है इनकी पूजा कीजिए। जैसे कि जो महाकाली के जो भैरव है वो है महाकाल। तो महाकाल की पूजा कीजिए फिर महाकाली की पंचोपचार पूजा करके आप उसमें भोग लगाइए। भोग में आप कुछ भी मिश्री या गुड़ लगा सकते हो दो लोग, या तो लड्डू का भोग या मिठाई का भोग लगाने के बाद फूल समर्पित करने के बाद पूजा करके आप महाकाली का एक माला मंत्र जप कीजिए सुबह और शाम को ओम क्रीम कालिकाए नमः। तो इस मंत्र का आपको जैसे जब भी नवरात्र आए सुबह शाम नवरात्र से प्रारंभ करना है, सुबह शाम आपको जप करना है इस मंत्र का एक माला। महाकाली का मंत्र जब करोगे रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हो या तो लाल चंदन की भी माला से कर सकते हो। जैसे सभी महाविद्या की जो आप प्रतिदिन पूजा करोगे तो सबसे पहले हमने जैसे कि आपको बता दिया कि गणेश भगवान का पूजन होगा, आपके गुरु का पूजन होगा, गुरु ने तो भोलेनाथ का पूजन या फिर उनके भैरव का पूजन करके किसी भी महाविद्या का पूजन करना है आपको। हमें बार बार आपको नहीं बताएंगे इनके भैरव की पूजा करके अलग अलग महाविद्या का पूजन करना है, इस बात का याद रखना है। तो तारा महाविद्या के बारे में हम आपको बताते हैं। दूसरी महाविद्या की पूजा करने से जन्म जन्मांतर के जो भी समस्या चली आ रही है आप पे, कोई ऋण है तो वो माँ तारा की पूजा आराधना से आप उनसे छुटकारा पा सकते हो हर एक ऋण से। इनकी पूजा अमुक मानी जाती है। जो भी माँ तारा की उपासना या साधना करते होंगे वो जानते होंगे कि बहुत ही विचित्र अनुभव होते हैं इनकी साधना में। इनकी साधना करने से व्यक्ति को चमत्कारिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। जो अज्ञात बाधाओं से जो पीड़ित है वो उनसे मुक्त हो जाती है, उनके रास्ते में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं आती। जिनकी भी जन्म कुंडली में कोई परेशानी प्रॉब्लम हो वो हर प्रकार के जो कुंडली में दोष रहते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ऐसी महा तारा की पूजा करने से ऐसी महादेवी की हर प्रकार की समस्या का समाधान प्राप्त हो जाता है। नवरात्र के दूसरे दिन आप पूजा उपासना करोगे तो तारा महाविद्या के जो भैरव है अक्षोम्य भैरव इनकी पंचोपचार पूजा करना है। महा तारा महाविद्या की पंचोपचार पूजा करके उन्हें भोग लगा सकते हैं। भोग में आप मिठाई का लगा सकते हैं हर एक महाविद्या को, पुष्प समर्पित कीजिए और नवरात्र के दूसरे दिन माँ भगवती का पूजन करके एक माला का जप करना चाहिए आपको। इनका मंत्र बता देते सुबह शाम जप कर सकते हैं ओम ह्रीम श्रीम हूम फट। तो इनके मंत्र का जप करना है रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। तो पूजन करके मध्य रात्रि में भी आप जप कर सकते हो एक माला या सुबह शाम तो कर ही सकते हो। हम बताएंगे आपको तीसरी महाविद्या के बारे में, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी जिसे षोडशी महाविद्या भी कहा जाता है। धन और समृद्धि की जो देवी है वो ललिता त्रिपुर सुंदरी है। इनकी साधना करने वाले को धन का वरदान प्राप्त होता है और अपार सुख समृद्धि संपदा प्राप्त होती है। तो ऐसे सभी लोग जो धन से परेशान रहते हैं ऐसी सभी लोग माँ भगवती की इस स्वरूप की आराधना अवश्य करना चाहिए। जो षोडशी महाविद्या का जो भैरव होता है वो होता है कामेश्वर भैरव। तो इनकी पंचोपचार पूजा करके माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा उपासना करके उन्हें भोग लगाइए, पुष्प समर्पित कीजिए, उसके बाद इनके मंत्रों का जप कर सकते हैं। तो मंत्र इस प्रकार से हिरिंग क ये ई ल हिरिंग ह स क ह ल हिरिंग स
क ल हिरिंग। तो इस मंत्र का जप आपको शाम को करना चाहिए, सुबह और शाम को भी कर सकते हैं दोनों टाइम, लेकिन शाम को अवश्य करना चाहिए। इस मंत्र का जप करना है स्फटिक की माला से और भोग में अवश्य मिठाई लगाना है, पुष्प अर्पण करना है आपको। तो इस महाविद्या की उपासना की जाएगी नवरात्र के तीसरे दिन। चौथी महाविद्या के बारे में बताते हैं भुवनेश्वरी। जो भुवनेश्वरी की उपासना करने वाले जो साधक रहते हैं वो ईश्वर्य के साथ साथ शक्ति का भी वरदान प्राप्त करते हैं, यानी धन भी चाहिए, उच्च पद भी चाहिए और प्रभाव भी चाहिए। राजनीति में या प्रशासन के क्षेत्र में जो बड़े पदों पर रहना है तो आपको अच्छे ऊंचे पद चाहिए, तो माँ भुवनेश्वरी की आराधना अवश्य करना चाहिए। भुवनेश्वरी की जो पूजा की जाएगी माँ भुवनेश्वरी की नवरात्र के चौथे दिन की जाएगी। माँ भुवनेश्वरी की जो भैरव है वो है त्र्यंबक। तो पंचोपचार पूजा कीजिए, माँ भुवनेश्वरी का पंचोपचार पूजन करके आपको इसके मंत्र का जप करना है। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं नमः। वैसे भी इनके मंत्र का जब प्रातः काल करना चाहिए, आप सुबह शाम को भी कर सकते हो एक एक माला। तो नवरात्र के चौथे दिन आप इनका मंत्र जब लाल चंदन की माला से ही करना चाहिए। जो पांचवी महाविद्या है वो है त्रिपुर भैरवी। माँ भैरवी के और भी रूप है, कहा जाता है कि इनके साधकों को माँ भैरवी की चमत्कारिक सिद्धियाँ प्राप्त होती है। जो भी लोग भैरवी की उपासना करते हैं उनके ऊपर किसी प्रकार का तंत्र मंत्र या अन्य शक्ति कोई भी कभी भी नहीं चला सकता है। मतलब जो भी कहने का अर्थ यह है कि जो भी भैरवी के साधक है उनको कभी किसी चीज़ का खतरा नहीं होता है, तंत्र मंत्र से जुड़ा वाला या किसी भी प्रकार की दुनिया में जो भी तंत्र मंत्र है उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते है, कहने का अर्थ। तो नवरात्र के पाँचवें दिन माँ भैरवी की उपासना करना चाहिए आपको। तो दक्षिणामूर्ति भैरव की उपासना करना चाहिए, पंचोपचार उनकी पूजा कीजिए आप पहले, फिर माँ भैरवी की पंचोपचार पूजा करके उन्हें भोग लगा के फिर माँ भैरवी के पूजन करने के बाद इनके मंत्रों का आपको जप करना चाहिए। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं भैरवी क्लों ह्रीं स्वाहा। इस मंत्र का जप किया जाएगा लाल चंदन की माला से। इनके मंत्र का जप किया जाता है जब सूर्य अस्त होने लगता है, तब आप इनके मंत्र का जप प्रारंभ कर सकते हो। वैसे आपको जब भी टाइम मिले सुबह शाम इनके मंत्र का जप कर सकते हो। एक एक माला अवश्य निकालना चाहिए सुबह शाम या सूर्य अस्त के समय। नवरात्र के पांचवें दिन माँ त्रिपुर भैरवी की उपासना करना चाहिए। जो छठवीं महाविद्या है वो है छिन्नमस्ता। इनका जो स्वरूप है तंत्र के बहुत करीब माना जाता है। माँ भगवती के साथ में इनकी सेविका भी रहती है जया और विजया। माँ छिन्नमस्तिका का जो स्वरूप है बहुत ही विचित्र कहा जाता है। तो ये तंत्र का बहुत बड़ा प्रमाण कहा जाता है, बहुत बड़ा प्रतीक कहा जाता है माँ छिन्नमस्तिका है उनके स्वरूप को। इनकी पूजा उपासना से मुक्ति और मोक्ष का वरदान प्राप्त होता है। जो लोग भी अपने पूर्व जन्म के जो संस्कार से परेशान है तो ऐसे अशुभ संस्कारों से मुक्ति प्राप्त कर सकते। किसी प्रकार का भी अगर आपके ऊपर ऋण हो, जैसे देव ऋण हो या पितृ ऋण हो, मातृ ऋण हो या पितृ दोष हो, ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ों से राहत प्राप्त हो जाती है। जैसे आपको अगर कोई शरीर में परेशानी हो या कोई रोग हो जो ऐसा गंभीर हो चुका हो, आपको कोई आराम प्राप्त ना होता हो, कितने भी प्रकार से गंभीर रोग हो छुटकारा प्राप्त कर सकते हो माँ छिन्नमस्ता की पूजा उपासना करके। तो नवरात्र के छठवें दिन माँ छिन्नमस्ता की उपासना करना चाहिए। तो इनकी उपासना करने से पहले, इनकी पूजा करने से पहले इनके भैरव का पूजन करना चाहिए। इनके जो भैरव है वो है क्रोध भैरव। नवरात्र के छठवें दिन पंचोपचार क्रोध भैरव की पूजा करके माँ छिन्नमस्ता की पंचोपचार पूजन करिए, उनको भोग लगाइए, पुष्प समर्पित कीजिए। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीं क्लीं ऐं वज्र वैरोचनीय हुम हुम फट स्वाहा। तो इनके मंत्र का जप किया जाएगा नवरात्र के छठवें दिन सुबह शाम। आप लोग इनके एक एक माला निकाल सकते हो इस मंत्र की। इनके मंत्र का जप किया जाएगा लाल चंदन की माला से या तो रुद्राक्ष की माला से। तो आपको एक एक माला निकालना है सुबह शाम नवरात्र के छठवें दिन। नवरात्र के सातवें दिन जो पूजा उपासना की जाती है वो है माँ धूमावती की पूजा उपासना की जाती है। माँ धूमावती का जो स्वरूप है वो अलग है, बाकी जो नौ विद्या के जो स्वरूप है वो हर कोई उपासना कर सकता है, लेकिन जो धूमावती की जो पूजा, आप वैसे तो घर में जो बड़ी पूजाएँ कभी नहीं की जाती इनकी धूमावती की। इनके भैरव को इनने निगल लिया था, भगवान भोलेनाथ को एक बार इनने खा लिया था यानी निगल लिया था, इसलिए एक विधवा के ही स्वरूप में रहती है। कोई भी बच्चिया या स्त्री इनकी पूजा उपासना नहीं कर सकते, तो इनकी पूजा उपासना पुरुष ही कर सकते हैं, इस बात का याद रखना है। आप चाहो तो घर पे भी कर सकते हो, कहीं अगर आपकी इच्छा हो। वैसे तो
पंचोपचार देवी की पूजा, माँ की पूजा करने से आपको कभी कोई नुकसान नहीं होता। बहुत लोग करते भी है, ऐसी कोई बात नहीं। पंचोपचार इनकी पूजा कर लेना नवरात्र के सातवें दिन। भोग लगा सकते हो, गुड़ का, मिठाई का, जो भी भोग लगाना चाहते हो आपके घर में जो भी है, तो आपको इनकी पूजा कर लेना है। इनका स्वरूप माना जाता है वैराग्य का स्वरूप है। और जो लोग कुमार्ग पे चले जाते हैं, यानी गलत रास्ते पे चले जाते हैं, या नशे से जो परेशान रहते हैं, जो नशे में हमेशा लिप्त रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए इनकी पूजा चमत्कारी और लाभकारी मानी जाती है। तो जैसा कि इनका कोई भैरव नहीं है, श्री गणेश की पूजा उपासना करके, आपके गुरु के पूजन करके पंचोपचार इनकी पूजा कर सकते हो। जो पुरुष है आपके घर में वही करेंगे, कोई भी स्त्री को वर्जित है, यानी स्त्री को ही पूरी पूजा वर्जित है, इसमें पुरुष पूजा कर सकते हैं। तो इनका मंत्र आप इस प्रकार जप सकते हो, ओम धूम धूम धुमावती देवेश स्वाहा। तो नवरात्र के सातवें दिन सुबह शाम इनके एक माला निकाल लेना इनके मंत्रों की, मूंगे से भी कर सकते हो या तो लाल चंदन की माला से भी इनके मंत्रों का जप कर सकते हो। आपको एक एक माला ही निकालना है सुबह शाम। और फिर से बता रहे हैं, इनकी पूजा सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, महिला को वर्जित है, इस बात का याद रखना है। आठवीं जो महाविद्या है वो है बंगलामुखी, जो सभी लोग इनके बारे में जानते हैं। ज़्यादातर बंगलामुखी की जो पूजा उपासना ज़्यादातर की जाती है शत्रुनाश के लिए और मुकदमे में विजय प्राप्त करने के लिए की जाती है। माता बंगलामुखी की जो पूजा है वो उग्र पूजा कहलाती है। तो इनकी पूजा का बहुत ही जल्दी फल प्राप्त हो जाता है साधक को। आपके जो विरोधी हो या शत्रु बढ़ गए हो या मुकदमे चल रहे हो, ऐसे जो लोग हैं ऐसी महाशक्ति की उपासना कर सकते हैं बंगलामुखी की। आपकी जो भी परेशानी है उससे समाधान प्राप्त हो जाएगा बहुत ही जल्दी। तो नवरात्र के आठवें दिन आपको माँ बंगलामुखी की पूजा उपासना करना है। उनसे पहले इनके भैरव की पूजा उपासना की जाएगी। तो माँ बंगलामुखी के जो भैरव होते हैं वो होते हैं मृत्युंजय भैरव। तो पंचोपचार मृत्युंजय भैरव की पूजा उपासना करेंगे, फिर बंगलामुखी की पंचोपचार पूजा करेंगे। पीली मिठाई का भोग लगा सकते हो आप लोग, या जो भी आप भोग लगा सकते हो। आप सुबह शाम रात में जब भी आपको टाइम मिलता है नवरात्र में, आप इनकी मंत्र का जप करना है सुबह शाम एक एक माला। बहुत ही छोटा और सरल मंत्र बताते हैं इनका, हिरिंग बंगलामुखी हिरिंग। तो इनके मंत्र का जप किया जाएगा हल्दी की माला से। तो अगर हल्दी की माला ना हो तो रुद्राक्ष की भी माला से कर सकते हो। इनकी पूजा का जो समय होता है मध्य रात्रि या मध्य दोपहर, या तो सुबह शाम भी कर सकते हो आप लोग। नवी महाविद्या के बारे में बताते हैं आपको, मातंगी। जिनको भी वाणी की सिद्धि चाहिए, ज्ञान या तो सम्मोहन की जो शक्ति चाहिए, ज्ञान के लिए, विज्ञान के लिए, विद्या के लिए, सम्मोहन के लिए, बहुत ही इनकी अच्छी पूजा मानी जाती है, बहुत ही उपयोगी पूजा मानी जाती है। कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत ही चमत्कारी इनकी पूजा मानी जाती है। अगर आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम हो या बीमारी हो आपको लंबे समय से, तो ऐसे लोग भी माँ मातंगी की पूजा कर सकते हैं। नवरात्र के नवे दिन इनकी उपासना की जाएगी। इनकी उपासना से पहले इनके भैरव की पूजा करना चाहिए पंचोपचार। तो इनके जो भैरव है वो है मतंग भैरव। मतंग भैरव का पंचोपचार पूजन करके माँ मातंगी का पंचोपचार पूजन करना है। भोग लगाइए, पुष्प समर्पित कीजिए। तो मंत्र इस प्रकार से, ओम ह्रींग ऐं भगवती मतंगेश्वरी श्रीं स्वाहा। जो मंत्र जप का समय होता है वो सुबह के समय होता है। आप सुबह शाम मंत्र जप कर सकते हो एक एक माला का। जो छोटे शंखों की जो माला होती है उनसे किया जाता है, लेकिन हर किसी के पास ये संभव नहीं हो पाता है, ना हर कहीं पे आपको ऐसी प्राप्त हो सकती माला। तो आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हो। दसवीं और अंतिम महाविद्या कमला है। माँ कमला को सौंदर्य की देवी माना जाता है। धन या संपत्ति का वरदान चाहिए या सुंदरता का भी वरदान चाहिए। कर्जों से छुटकारा पाना है, दरिद्रता का नाश करना है। आकस्मिक अगर धन चाहिए, आकर्षक व्यक्तित्व चाहिए आप लोगों को, बहुत सुंदर चाहते हो आप लोग कि आप दिखे, बहुत आपके शरीर पे, आपके चेहरे पे तेज चाहिए, तो ऐसे सभी लोग माँ कमला की उपासना अवश्य कर सकते हैं। जो धन से परेशानी रहती, जिनके ऊपर कर्ज हो जाते, तो ऐसे सभी लोग माँ कमला की उपासना करना चाहिए। तो आपको नवमी तिथि को ही माँ कमला की उपासना की जाएगी। और जो माँ कमला के जो भैरव है वो भगवान विष्णु है, नारायण। तो इनके भैरव की पूजा की जाएगी पंचोपचार, फिर माँ कमला के पंचोपचार पूजन करके आप लोग इनके मंत्र का जप कर सकते हो। तो इनका मंत्र नोट कीजिए, ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध महालक्ष्मी नमः। इनकी पूजा का समय होता है सूर्यास्त के समय या मध्य रात्रि में, लेकिन आप लोग जब भी आपको टाइम मिले सुबह शाम नवरात्र के नवे दिन,
तो सुबह शाम एक एक माला का भी मंत्र जप कर सकते हैं, या तो कमल कट्टी की माला से, या तो स्फटिक की माला आती है उससे भी आप जप कर सकते हैं। तो हमने जो दसों महाविद्या की जो पूजा बताई वो सामान्य विधि के अनुसार बताई। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप इनकी नवरात्र में ही उपासना या इनके मंत्रों का जप कर सकते हो, आप डेली भी जप कर सकते हो। आपके दैनिक दिनचर्या होता है, जो पूजा पाठ करते हो आप नहा धो के सुबह शाम, तब भी प्रतिदिन भी कर सकते हो। माँ सातवीं महाविद्या होती है धुमावती, आप उनकी पूजा कोशिश कीजिए। अगर लंबे समय के लिए कर रहे हो आप, तो ऐसी जो पूजा की जाती है माँ धुमावती की, आप अगर लंबी पूजा कर रहे होगे तो आप किसी मंदिर देवी मंदिर में कर सकते हैं, या तो एकांत में कर सकते हैं। जो हमने जो पूजा विधान बताया ये सिंपल और हर कोई कर सकता है। आपकी इच्छा मनोकामना की पूर्ति के लिए, महाविद्या के आशीर्वाद पाने के लिए कोई विशिष्ट विधान करवाना चाहते हैं तो आप लोग आपके गुरु के सानिध्य में कीजिए, या तो किसी मार्गदर्शन के जो सानिध्य में कीजिए, जिसको इनकी पूरी जानकारी हो उन्हीं के सानिध्य में करना चाहिए। अगर आपके पास इनकी पूरी जानकारी नहीं हो तो विशिष्ट जो विधान है इनका कभी नहीं करना चाहिए। जब तक आपको जो गुरु जानकारी देगा, गुरु के द्वारा जो मंत्र होगा, जो मंत्र या विधि विधान बताएगा तब कीजिए, या तो अपने लिए किसी ब्राह्मणों से, किसी भी पुरोहित ब्राह्मणों से आप लोग अपने लिए, आपके घर परिवार के लिए आप अनुष्ठान करवा सकते हो जिनको पूरी जानकारी हो। लेकिन जो हमने पूजा विधान बताया आप लोग ये सामान्य पूजा विधान आपके घर में कर सकते हो। लेकिन जो सातवीं महाविद्या की पूजा उपासना स्त्री नहीं कर सकती, जो पुरुष रहते वो ही कर सकते हैं। और अगर आप नवरात्र में करते हो सातवीं महाविद्या की पूजा उपासना तो तब घर के अंदर कर सकते हो, लेकिन आप अगर लंबे टाइम के लिए करते हो तब आप देवी मंदिर में या तो अन्य कई अलग एकांत स्थान में कर सकते हो। तो ऐसे चारों नवरात्र में भी आप इनकी पूजा उपासना कर सकते हो, या गुप्त नवरात्र में, या तो किसी महाविद्या की, एक ही महाविद्या का स्वयं आप नवरात्र के अंदर, आप नौ दिनों के अंदर उनके डेली रूटीन में मंत्र जप जपना चाहते हो, उनके निमित्त किसी एक महाविद्या का भी जप कर सकते हो। जो भी विधान बताया इसे समझिए, फिर आप माँ भगवती का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते, आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण कर सकते। याद रखिए, इन महाविद्याओं की जो पूजा उपासना है वो सर्वश्रेष्ठ है, माँ शक्तियों की पूजा उपासना है। आप सभी लोग उपासना कर सकते हो। आपको डराते बहुत लोग हैं कि ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, लेकिन जो हम बता रहे वो शास्त्र संबद्ध बता रहे, गुरु शिष्य परंपरा से जो जानकारी चली आ रही उस निमित्त बता रहे, और बहुत लोग इन्हें फॉलो भी कर रहे हैं। आप बेफिक्र होके पूजा उपासना कर सकते हो। लेकिन जो विशिष्ट जो पूजा उपासना होती है सिर्फ गुरु के सानिध्य में होती है, इस बात का याद रखना है। और जो भी महाशक्तियों की, महाविद्याओं की पूजा उपासना होती है वो सिर्फ माँ समझ की ही करना है। बहुत से लोग हम देवी को सिद्ध कर लेंगे, महामाया को सिद्ध कर लेंगे, जो भी महाविद्याओं की या देवी शक्तियों की पूजा उपासना करते हो वो देवी समझ के कभी नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष याद रखना है। सिर्फ माँ समझ के ही पूजा उपासना करना चाहिए तो आपके पूजा का तत्काल फल प्राप्त होता है। देवी समझ के तो कभी कोई सिद्ध कर नहीं सकता। तो हर प्रकार की जो वीडियो में जानकारी थी आपको पूर्ण जानकारी हमने बता दी है। आप इस वीडियो को सुनिए और आपके जो सगे संबंधित है उन्हें भी शेयर कर सकते हो। दस महाविद्या की जो संपूर्ण जानकारी हमारी वीडियो में बताइए कि सामान्य लोग कैसे पूजा उपासना कर सकते हैं, आप भी अपने सगे संबंधी को शेयर कर सकते हो। और जो नए साधक हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी रहस्यमय जानकारी के लिए। हमारी ये वीडियो, ये जानकारी आप लोगों को पसंद आती तो ऐसी रहस्यमय जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती तो लाइक कीजिए। जय माँ भवानी।